चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है, ये बात पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में कही। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच साझा करते हुए राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा की हुकार। चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है, बोले मिश्रा। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। अपने बयानों से लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों से है। ग्वालियर में भाजपा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के बारे में बताते हुए कहा कि सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना आएगा तो नपुंसकता आ जाएगी, ऐसा विपक्ष कहते हैं। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों से है, ये बात ध्यान रखना। वहीं इस दौरान मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर भी जुबानी हमला बोला। तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। अरे यार, ये ऐसा विपक्ष है। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है, ये बात ध्यान रखना। अभी एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गर्मी नहीं आ रही, अब गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात है कांग्रेस में, भगदड़ के पके पकाए और बने बनाए विधायक जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, और परसों की 6 तारीख की और हमने संख्या बता दी है, जब से कई लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो गया। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच अब सियासी तपन भी बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।